गेंदबाजी को चुना जिसके चलते केएल राहुल और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। 200 लेकिन हो गया बड़ा कारनामा। 200 दूसरे ओवर में महेश दीक्षाणा की इस गेंद पर LBW आउट हो गए केएल राहुल। जी हां, 200 रिव्यू लेने के बाद भी ये बच नहीं पाए जिसके चलते केएल राहुल 6 रन बनाकर 7 गेंदों पर सामना करते महेश दीक्षाणा के हाथों आउट हुए। 200 लेकिन उसके बाद भी भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली आते ही इस तरीके से मधुशंका की गेंद पर बुरी तरीके से बोल्ड होकर रहकर भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। 0 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए विराट कोहली आउट हुए और यहीं पर 20 रन पर भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम की रन की गति को आगे बढ़ाया हमारे कप्तान हिटमैन ने। 200 इस मुकाबले में हिटमैन का साथ दे रहे थे सूर्य कुमार यादव। 200 दोनों के बीच में 50 से ज्यादा की साझेदारी हो गई और देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगा दिया। लेकिन जब वो 70 रन पर पहुंच चुके थे इस तरह से करुण रत्ना गेंद पर सामने खड़े फील्डर को गलती से कैच दे बैठे और बड़ी विकेट गवा बैठे। 72 रन बनाए कप्तान रोहित शर्मा ने 41 गेंदों का सामना करते हुए और ये आउट हुए। 200 के पास सूर्य कुमार यादव भी 34 रन पर आ चुके थे। इनसे भी हो गई बड़ी गलती। दासुन चनाका की इस गेंद को इस तरह से ऊपर का शॉट मारने के चक्कर में हवा में खेल बैठे और पीछे फील्डर ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली जिसके चलते स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव भी 34 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 200 रन के बाद मैदान पर हार्दिक पंड्या आए बल्लेबाजी करने के लिए और इनसे बड़ी फिनिश की उम्मीद थी। लॉरेंस का साथ दे रहे थे बेहतरीन बल्लेबाज ऋषभ पंत। तभी हार्दिक पांड्या भारतीय टीम का साथ छोड़ बैठे। दासुन चनाका की इस गेंद पर सामने का शॉट तो खेल बैठे हार्दिक पांड्या लेकिन भूल गए वहां भी फील्डर तैनात था और फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। 200 हार्दिक पांड्या भी 17 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट इस मुकाबले में गवा बैठे। उनके बाद दीपक हुड्डा आए बल्लेबाजी करने के लिए। आते ही ये भी मधुशंका की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए जिसके चलते एक और विकेट मिली। 200 दीपक हुड्डा 3 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते आउट हुए। लेकिन भारतीय टीम के झटके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सेट बल्लेबाज ऋषभ पंत भी बड़ी गलती कर ही बैठे इसी ओवर में। 200 मधुशंका की इस गेंद को मिड ऑन पर खेल बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने इस तरह से कैच लपक ली और बड़ी गलती कर बैठे हमारे ऋषभ पंत। 217 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते आउट हुए ऋषभ पंत। 200 के बाद अश्विन ने एक बेहतरीन पारी खेली और मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। 200 भारतीय टीम के विकेट काफी चले गए मिडिल ऑर्डर में जिसके चलते भारतीय टीम एक ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बना पाई। अंत में अश्विन ने आखिरी ओवर में एक छक्का लगाकर मैच को अच्छे से फिनिश किया जिसके चलते भारतीय टीम ने 173 रन लगा दिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। अब 174 रन लगाने हैं श्रीलंका को। 200 सिवाय रोहित और सूर्या के कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई और सिवाय रोहित के किसी ने भी 40 से ज्यादा रन नहीं लगाए। 200 आप रोहित शर्मा की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कचोप हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं। 200 अगर आप केएल राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। 200 भारतीय टीम पहुंच चुकी है दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन 200 आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से कौन खूंखार बल्लेबाज है? इसका जवाब हमें कमेंट में बताइएगा। 200 जल्दी शुरू होने वाला है भारत और श्रीलंका का एशिया कप 2022 का सुपर फोर का मुकाबला जिसके लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा पधार चुके हैं। उनके साथ पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज हमारे रन मशीन विराट कोहली भी आ चुके हैं। 200 विराट कोहली के साथ साथ भारतीय टीम के विकेट कीपर जिन्होंने पिछले मुकाबले में खेला था ऋषभ पंत नजर आए। ऋषभ पंत के साथ हार्दिक पांड्या भी नजर आए मैदान पर। 200 हार्दिक पांड्या के साथ साथ एक और स्टार बल्लेबाज जिसका नाम है केएल राहुल ये भी नजर आए। सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं मैदान पर। आज सुबह 8 बजे से नेट्स का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है। पहले तो दोनों ही टीमों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पिछले मुकाबले में विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतरीन था लेकिन इस एशिया कप में रोहित शर्मा अभी तक बड़ा स्कोर लगाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो वहीं दिनेश कार्तिक ने भी सिर्फ 1 या 2 मुकाबले खेले हैं। लेकिन 200 सभी की नजरें अब आने वाली है ऋषभ पंत के ऊपर। 200 आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत सेंचुरी लगा पाएंगे या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। 200 अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। 200 भारत और श्रीलंका का एशिया कप 2022 के सुपर फोर्स का तूफानी मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। 200 आप सभी को बता दें मुकाबला दुबई के तूफानी मैदान पर खेला जाने वाला है जहां भारतीय टीम को पिछले मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था। 200 भारतीय टीम के पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर तूफानी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली का बल्ला एक और बार खूब बोल सकता है। भारतीय टीम के गेंदबाज भी चमक सकते हैं। आइए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आपको बताते हैं जो हो सकती है श्रीलंका के खिलाफ। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जाडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, शरीफ सिंह। 200 रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले मुकाबले में जाडेजा इंजर्ड थे जिसके चलते अब जाडेजा की जगह दीपक हुड्डा ने ले ली है। तो सर जाडेजा की जगह दीपक हुड्डा होंगे। 200 ये होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। लेकिन 200 आपके अनुसार भारतीय टीम में जाडेजा की जगह किसको जगह मिलनी चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। 200 अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। 200 भारतीय टीम को आज पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 के मुकाबले में 5 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा क्योंकि आखिरी ओवर में हर्षदीप 6 गेंदों पर 7 रन डिफेंड नहीं कर पाए। 200 इस मुकाबले में जब नवाज सेट हो चुके थे और वो आउट हो चुके थे तभी भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ चुका था क्योंकि नवाज 42 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते आउट हो गए थे। उनके ठीक बाद अगले ओवर में सेट बल्लेबाज हमारे रिजवान भी आउट हो गए थे। 200 मोहम्मद रिजवान भी 71 रन बनाकर आउट हो गए थे। 299% भारत की झोली में मुकाबला आ चुका था क्योंकि
आसिफ अली जो कि नए बल्लेबाज से ये क्रीज पर आ चुके थे, लेकिन तभी भारत से हो गई सबसे बड़ी गलती। सोल वेवर की पांचवी गेंद पर आसिफ अली गेंद को टच कर सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, उधर से गेंद को डायरेक्ट थ्रो नहीं कर पाए रवि बिश्नोई और आसिफ अली कोसों दूर रह गए क्रीज से। जैसे कि आप देख सकते हैं आसिफ अली काफी ज्यादा दूर थे क्रीज के अंदर आने से, उतने में रवि बिश्नोई ने डायरेक्ट हिट नहीं मारा निशाना लगाकर और आसिफ अली बच गए, जिसके चलते रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया चीज को देखकर। इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए आखिरी ओवर में छक्का और चौका लगाकर आसिफ अली ने तूफानी तरीके से मैच बदल दिया और पाकिस्तानी मुकाबला 5 विकेटों से जीत गई। आसिफ अली का एक जीवनदान भारतीय टीम के ऊपर काफी भारी पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा, इसका जवाब कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान का वो अंतिम ओवर जिसने सबकी सांसें रुका दी थी। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी पाकिस्तानी टीम को। 200 क्रीज पर थे आसिफ अली जो की खतरनाक हिटर बल्लेबाज से। 200 गेंदबाजी करने आए हमारे युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह। दोस्तों आइए आपको आखिरी 6 गेंदों का रोमांच बताते हैं। दोस्तों अर्शदीप सिंह ने जैसे ही पहली गेंद डाली तो पहली गेंद बेहतरीन तरीके से यॉर कर गिर गई और पहली गेंद पर आ गया सिंगल, जिसके चलते अब 5 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी स्ट्राइक पर आसिफ अली थे। दोस्तों जैसे ही अगली गेंद डाली अर्शदीप ने तो आसिफ अली ने सामने का शानदार शॉट खेला और ये गेंद गई 1 बाउंस होकर सीधा बाउंड्री के पार और यहीं पर 90% पाकिस्तान मुकाबला जीत गई, क्योंकि अब 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की दरकार थी पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए। अर्शदीप सिंह प्रेशर में आ गए थे, अब पारी थी अगली गेंद की। दोस्तों अगली गेंद बेहतरीन तरीके से यॉर कर फेंकी हमारे अर्शदीप सिंह ने और इस गेंद को पढ़ नहीं पाया आसिफ अली और हो गए LBW आउट, जिसके चलते भारतीय टीम को अंतिम ओवर की 3री गेंद पर मिली बड़ी विकेट। दोस्तों आसिफ अली 16 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें इनके बाद नए बल्लेबाज आए थे और कोई नहीं इफ्तिखार अहमद, इन्होंने भी एक गेंद डॉट खेल दी। अब 2 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी, अगली गेंद जैसे ही सामने की तरफ फेंकी फुल टॉस अर्शदीप सिंह ने तो इफ्तिखार अहमद ने सामने का शॉट खेला। जब तक सूर्य कुमार यादव गेंद पकड़ वापस फेंकते तब तक 2 रन ले लिए थे पाकिस्तान की टीम ने और 5 विकेटों से भारतीय टीम इसी वजह से जीत गई। जी हां दोस्तों, 1 गेंद रहते हुए ही पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेटों से तूफानी मुकाबला जिता दिया। दोस्तों मोहम्मद नवाज जिन्होंने 42 रन लगाए थे 20 गेंदों में, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया क्योंकि उनकी बारी मध्य क्रम में सबसे बेहतरीन मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से भारतीय टीम ने मुकाबला हारा, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों 3 विकेटें जाने के बाद पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद से अचानक जो आकर नवाज ने बल्लेबाजी की जो अक्सर नंबर 6 पर आता है वो ताबड़तोड़ की। 200 से 20 गेंदों पर 42 रन पर पहुंच चुके थे नवाज, तभी शॉर्ट गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की सामने खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे, लेकिन अपना काम पूरा कर चुके थे। दोस्तों आप सभी को बता दें नवाज ने 42 रनों की तूफानी पारी खेली 20 गेंदों में। दोस्तों लेकिन उसके बाद भी वन मैन शो दिखा रहे थे रिजवान, जो कि पहले सलामी बल्लेबाज थे पाकिस्तान के। दोस्तों जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे और पूरे बल्लेबाजों को टारगेट किया इन्होंने भारतीय टीम के और अकेले ही। दोस्तों आ गया है वक्त एशिया कप 2022 के सुपर 4 के दूसरे मैच का। दोस्तों 7:30 बजे से शुरू होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तूफानी मुकाबला। आइए टॉस और पिच की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी भी पिच की रिपोर्ट यही आ रही है कि पिच पर ग्रास ज्यादा है, तो जो भी कप्तान पहले टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी को ही चुनेगा, क्योंकि इस पिच पर सबसे पहले गेंदबाजी सक्षम होती है, जिसके चलते गेंदबाजी हर टीम करना चाहती है। दोस्तों अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं तो वो गेंदबाजी ही चुनेंगे, अगर बाबर आजम टॉस जीते हैं तो वो भी गेंदबाजी को ही चुनेंगे। दोस्तों भारतीय टीम में भी 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं, पाकिस्तान की टीम में भी 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसी हिसाब से दोनों ही टीमें फिलहाल बराबरी पर है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी हार का बदला लेती है या फिर हमारी भारतीय टीम पलटवार कर भारतीय टीम को दूसरी शर्मनाक हार हराती है। दोनों ही टीमों के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के सभी अपडेट्स और चटपटी खबरें जानने के लिए। लेकिन दोस्तों आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों जल्दी शुरू होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान का एशिया कप का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों दिल थाम कर बैठिए भारतीय टीम की एक और शानदार जीत के लिए। दोस्तों भारतीय टीम को मैच से पहले ही 2 बड़े झटके लग चुके हैं, क्योंकि जडेजा बाहर हो चुके हैं इंजरी से और आवेश खान की भी इंजरी बताई जा रही है। दोस्तों अब बात आती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की सबसे पहले आपको बात बता देते हैं। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह। दोस्तों एक खिलाड़ी की अगर कमी आएगी तो वो रविचंद्रन अश्विन की होगी। दोस्तों ये होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इस एशिया कप में भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है और पिछला मुकाबला ही भारतीय टीम ने हांगकांग और पाकिस्तान को हराया है, जिसके चलते भारतीय टीम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। दोस्तों उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों आप कमेंट में बताइए क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को आज शर्मनाक हार हरा पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं।
दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों जल्दी शुरू होने वाला है एशिया कप 2022 का एक और तूफानी मुकाबला, जहां एक और बार आमने सामने आने वाले हैं सुपर फोर की टीम से, यानी कि पाकिस्तान और भारत। जी हां दोस्तों, इससे पहले एशिया कप के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी 5 विकेटों से, लेकिन ये तो एशिया कप का दूसरा मुकाबला था।